रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो अक्सर हम ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पढ़ते और सुनते हैं जिनको डिस्कवर करके हम हैरान रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर वन, रिसर्चेस और स्टडीज ने ये बात प्रूव की है कि अगर आप अपने गोल्स लोगों से छुपा कर रखते हैं तो आपके उस गोल को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप अपने गोल्स को डिस्क्लोज कर देते हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में उसी वक्त अचीवमेंट हार्मोन डोपामीन रिलीज हो जाता है, जो कि आपके अंदर प्री मेच्योर कम्प्लीटनेस ऑफ गोल्स की फीलिंग दे देता है, जिसकी वजह से आप मोटिवेशन लूज कर देते हो और वो गोल अचीव नहीं कर पाते। सो इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स, कीप देम अ सीक्रेट। नंबर टू, अगर आप किसी वजह से बहुत थोड़ा सोए हो और आपको जागना पड़ गया है, तो अगर आप खुद को मेंटली एक्सेप्ट करवा लें कि आप काफी देर तक सोए हो, तो आपका ब्रेन इजिली ट्रिक हो जाता है और आपको फ्रेश और एक्टिव कर देता है। नंबर थ्री, रिसर्चेस से ये भी बात साबित हुई है कि जो लोग ज्यादा जहीन होते हैं वो हमेशा हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, और इसके बरक्स जो लोग एज कम्पेयर टू देम इग्नोरेंट और कम अकल होते हैं, वो खुद को ब्रिलियंट तसव्वुर करते हैं। नंबर फोर, आज तक किए गए सर्वेस के मुताबिक पैदाइशी तौर पर नाबीना लोग कभी शिजोफ्रेनिया से डायग्नोज नहीं किए गए। सो अब तक की स्टडीज के अकॉर्डिंग एक पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड शख्स कभी शिजोफ्रेनिया का शिकार नहीं हो सकता। सो ब्लाइंडनेस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट शिजोफ्रेनिया। नंबर फाइव, जो लोग दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, वो आखिर में मुकम्मल तौर पर अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए खुद को जहन नशी करा लें कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। इट्स रियली अ मस्ट इन योर लाइफ। नंबर सिक्स, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद भी उसके ब्रेन की 7 मिनट्स की एक्टिविटी बाकी रहती है, जिसमें उसकी सारी जिंदगी की मेमोरी 7 मिनट्स के एक फ्लैशबैक में और एक ड्रीम के सीक्वेंस में प्ले होती है। तो जी हाँ, जिसको आप फिल्म्स की फैंटेसी समझते हैं, वो एक हकीकत है। नंबर सेवन, जब कोई शख्स खुशी की वजह से इमोशनल होकर रोता है तो वो खुशी का पहला आंसू उसकी राइट आई से गिरता है, और जब कोई शख्स दुख की वजह से रोता है तो पहला आंसू लेफ्ट आई से गिरता है। सो नाउ यू नो इट। नंबर एट, फीमेल्स में पेन रिसेप्टर्स मेल से डबल अमाउंट में होते हैं। वो एक मेल से डबल अमाउंट में पेन महसूस करती है, लेकिन उनमें पेन टॉलरेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। सो इन दिस रिगार्ड फीमेल आर मच स्ट्रॉन्गर देन मेन। नंबर नाइन, ज्यादा अरसे के लिए बिल्कुल अकेला रहना आपके लिए और आपकी सेहत के लिए इतना ही नुकसानदेह और खतरनाक हो सकता है जितना एक शख्स एक दिन में 15 सिगरेट्स पीकर अपना नुकसान कर सकता है। सो इट इज श्योरली अ लाइफ टेकिंग रिस्क। नंबर 10, सो लास्टली अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल रिसर्चेस, जो लोग गुड लायर्स होते हैं, जो झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, वो दूसरे लोगों का झूठ पकड़ने में भी उतने ही माहिर होते हैं। वो फौरन से किसी दूसरे का झूठ पकड़ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन, इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।